हाथरस में निर्भया की मौत के बाद पूरी सरकार भले ही सो रही है, लेकिन लखनऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बुलंदशहर समेत कई जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। वहाँ आंदोलनकारियों और जो लोग पूरे मामले को लेकर के विरोध कर रहे हैं उनका दमन करने के लिए सड़कों पर पुलिस उतार दी है। लखनऊ के हजरतगंज में जो नज़ारा देखने को मिला वह सबसे हैरान कर देने वाला था। यहाँ पर नेता हों या महिला कार्यकर्ता या महिला नेता, सभी को घसीटा जा रहा है, सभी को दबोचा जा रहा है। इस तरीके से महिलाओं और पुरुषों का उत्पीड़न किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च करने के लिए निकले हैं। चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, विपक्ष के नेता हों, लेकिन उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं को सरेआम घसीटा जा रहा है। इस तरीके का नज़ारा राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में देखने को मिल रहा है। महिलाएं चीख पुकार कर रही हैं लेकिन सरकार के अफसर सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कि उनके गले को भी दबाया जा रहा है और उन्हें परेशान करने के लिए पूरी तरह से उसकी मौत हो गई।